हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आज का सेशन शुरू करने वाले हैं। जल्दी से सब कोई ज्वाइन कीजिए। सेशन बहुत स्पेशल है और EHS गाइडेंस में हम आपका सबका स्वागत करते हैं। EHS गाइडेंस आपको यहाँ पर निबोस से रिलेटेड हर चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे चीज़ें हैं उनमें से कुछ खास हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपके OB नंबर 1 से लेकर के जो अभी लेटेस्ट OB जो चल रहा है 30-40, सब OB के आपको जो है साल्व पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। OB की लाइव ड्राफ्टिंग सिखाई जाएगी। और अगर कुछ डाउट क्लियरिंग है, डाउट है तो आपको हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। HS-गाइडेंस में आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी समस्या है तो आप टेलीग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। HS-गाइडेंस में हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलेगा, खासतौर पर निबोस से रिलेटेड या CSP कुछ भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। आप बेधड़क किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और टैग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का सेशन। सेशन बहुत स्पेशल है, चलिए चालू करते हैं। सर, क्वेश्चन का मतलब बताएंगे पहले एक बार? मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मतलब जो मैनेजर है उनका कमिटमेंट, मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ उनका क्या अच्छा काम उन्होंने किया है। नॉट नॉट ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। हाँ ठीक है, तो उसने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने तो अपना कमिटमेंट कैसे निभाया वो आपको कमेंट करना है सिनेरियो, राइट? जी तो आपने यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ ग्रेट प्रोसेस दैट हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू मैनेजमेंट लेवल। ये तो जेनरिक आंसर है। मैनेजर ने क्या किया है आपको वो आंसर करना है। मैनेजर ने सिनेरियो में क्या क्या किया है? मैनेजर मैनेजमेंट लेवल का भी मैंने लिख दिया, जैसे कि इसका मतलब क्या, आप इससे क्या बोलना चाहते हैं? व्हाट इज द इंप्लिकेशन? दोनों दोनों को मैंने टारगेट कर लिया। अभी मैनेजर का डिमोन्स्ट्रेशन, मैनेजमेंट का कमिटमेंट आपको डिमोन्स्ट्रेट हाँ करना हाँ है। वो गलती ये ही पॉइंट हुई। सही है आपका। मैनेजर इज ऑलवेज सिटिंग इन द वर्कशॉप एंड अलोंग विद दैट ही आल्सो प्रोवाइड्स हेल्थ थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अलग अलग पॉइंट आएगा, ट्रेनिंग का पॉइंट अलग है सिनेरियो में। और वो मैनेजर इज ऑलवेज सिटिंग इन द वर्कशॉप एंड ही वॉज टॉकिंग इनफॉर्मली टू द वर्कर्स इन हेल्थ ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी, वो अलग पॉइंट है। मैनेजर जो है रेगुलरली वर्कशॉप विजिट कर रहा है और वर्कर्स के साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग इनफॉर्मली बात कर रहा है। और ट्रेनिंग भी वहाँ पे पॉइंट अलग आएगा, इंडक्शन दी जा रही है वहाँ पे, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो अलग पॉइंट आएगा। सिनेरियो में अगर देखेंगे आप, वहाँ पे दो अलग अलग एविडेंस है। सिनेरियो में दो अलग अलग एविडेंस है कि मैनेजर जो है वो रेगुलरली सी यू आर रेगुलरली सीन इन द टायर फिटिंग वर्कशॉप टॉकिंग इनफॉर्मल टू ट्रेन्ड वर्कर्स अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी। आप रेगुलरली वर्क प्लेस विजिट करते हैं और वर्कर्स से, जो ट्रेन्ड वर्कर्स हैं, आप उनके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग बात भी करते हैं, ये अलग पॉइंट है। और जो इंडक्शन दी जा रही है और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो अलग पॉइंट आएगा, दिस विल बी सेपरेट पॉइंट। मैनेजर ने क्या किया है आपको स्पेसिफिकली वो बताने हैं। आपको अलग अलग पॉइंट, आपको क्लब नहीं करना है, मल्टीपल पॉइंट्स एक में क्लब मत करिए। 20 पॉइंट निकालने हैं आपको सिनारियों से, ये 20 मार्क का टास्क था। आपने कुछ 10-11 पॉइंट निकाले हैं। हाँ मैनेजर डोंट फोर्स अदर्स टू डू व्हाट दे कांट डू देमसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस वर्कर्स रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट द मैनेजर लॉट। ठीक है, बिजनेस वॉज नॉट बींग प्रॉफिटेबल स्टिल वी गेव प्रायोरिटी टू सेफ्टी। ऐसा कहाँ लिखा है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था? कहाँ लिखा कि प्रॉफिटेबल नहीं था बिजनेस? वहां पे लिखा है कि प्रॉफिट से पहले, Although the workshop needs to be profitable. मतलब उनको प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है, स्टिल वो सेफ्टी फर्स्ट, दे फॉलो सेफ्टी फर्स्ट। प्रॉफिट भी है उसके जगह, प्रॉफिट भी उनको अचीव करना है, उसके साथ साथ उसके उससे पहले सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। दे आर बिहेविंग लाइक दे आर पुटिंग अ सेफ्टी अहेड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से पहले वो सेफ्टी को ध्यान दे रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आंसर। मैंने डायरेक्ट वहां पे नेगेटिव थॉट डाल दिया। हाँ, द मैनेजर हैज वर्क हार्ड इन मैनेजिंग रिस्क एंड कंप्लीटिंग लीगल कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स नॉट फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मैनेजमेंट इज वर्किंग हार्ड टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट एंड इन रिटर्न दे हैव रिसीव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी। स्पेलिंग मिस्टेक है, कंप्लायंस है। अच्छा कॉम्प्लायंस है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक का मीनिंग
मीनिंग जो है वो तो अलग आ जाएगा सर। हाँ अलग हो जाए उसमें। अच्छा तो यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन है वो क्या है आपका, जैसे कि आईएसओ स्टैंडर्ड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन दैट इज योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। तो मैनेजर ने वहां पे हार्डवर्क किया है, सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन अचीव किया है, राइट, दैट इज अ पॉइंट। इवन आफ्टर न्यूमरस ऑडिट्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड जीरो नॉन कंफर्मिटी सर्टिफिकेट। नो सी सिंपल, द मैनेजर हैड कंडक्टेड एक्सटर्नल ऑडिट एंड अचीव्ड जीरो नॉन कंफर्मिटीज, सिंपल इतना लिखना है कि मैनेजर ने क्या किया है, दे आर कंडक्टिंग ऑडिट एक्सटर्नली एंड दे हैव रिसीव्ड जीरो नॉन कंफर्मिटीज। सेफ वर्क प्रोसीजर्स एंड रिस्क असेसमेंट्स आर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्कफोर्स। कुछ बोल रहे हैं बताइए, कोई कुछ बोल रहे हैं? सो यहाँ पे आपने लिखा है कि सेफ वर्क प्रोसीजर्स एंड रिस्क असेसमेंट्स आर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वर्कफोर्स। तो आपने ना किसी भी आंसर पे टेक्निकल पॉइंट नहीं लिया है, जान सकता हूँ क्यों नहीं लिया आपने टेक्निकल पॉइंट? मतलब सर यहाँ पर मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने निभाया है क्योंकि उन्होंने वर्कफोर्स को साथ में लेके ये काम किया है। करेक्ट है, पॉइंट सही है, पॉइंट सही है, पॉइंट्स वहाँ पे वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट करवा, वर्कर का कंसल्टेशन करवाया, पार्टिसिपेशन करवा, दैट इज अ करेक्ट पॉइंट। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट क्यों नहीं लिया, जो लेते हैं कीवर्ड या फिर टेक्निकल पॉइंट। अच्छा कीवर्ड, हाँ आपने किसी भी पॉइंट पे नहीं लिया कीवर्ड। मैनेजर ऑलवेज यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है ये पॉइंट सही है। द वेरी गुड थिंग इज दैट द मैनेजर्स अप्रोच इज ऑलवेज टू हैव जीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट। उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, मैनेजमेंट हैड सेट वन ऑब्जेक्टिव टू अचीव जीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट दिस ईयर, लिखा ना इस साल वो, एवरी ईयर दे वांट टू अचीव जीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट। उसका टारगेट, उसने टारगेट सेट किया था, उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसका कमिटमेंट है ये। मैनेजमेंट ने पॉलिसी में अपना एक टारगेट सेट किया है कि हमें जीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट अचीव करना है। द वर्क प्लेस इज ऑलवेज इंस्पेक्टेड, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कल्चर इज डेवलप्ड, ऑलवेज फाउंड रूट। ये अलग अलग पॉइंट है, इंस्पेक्शन विल बी सेपरेट पॉइंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कल्चर विल बी डिफरेंट पॉइंट। इंस्पेक्शन इज ए एक्टिव मॉनिटरिंग पार्ट, रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन इज ए रिएक्टिव मॉनिटरिंग पार्ट, वो अलग अलग आएगा। मैनेजमेंट, मैनेजर वहां पे क्या कर रहा है, रेगुलरली वर्क प्लेस इंस्पेक्शन करवा रहा है। द मैनेजर इज कैरिंग आउट, द मैनेजर इज कैरिंग आउट रेगुलर वर्क प्लेस। सर ये डिस्क्राइबिंग कैपेबिलिटी कैसे डेवलप करें, वही प्रॉब्लम हो रहा है। पिछला टास्क सही था आपका, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं इतना, जितना डिस्क्राइब करना चाहता हूँ एक पॉइंट को उतना हो नहीं पा रहा है। सी अभी ऐसा तो नहीं है कि हर एक टास्क में आपको दो तीन लाइन लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं है। हर एक आंसर में आपको दो तीन, कोई कोई आंसर सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट हो सकता है, उसमें एक सिंगल सेंटेंस में भी आप वहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे बस पूछा है कि मैनेजर ने क्या किया है, बस आपको वही बताना अपने लैंग्वेज में, खुद के लैंग्वेज में वही बताना। मैनेजर इज कैरिंग आउट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। मैनेजर ने वहाँ पे कल्चर डेवलप किया है, मैनेजर हैड डेवलप्ड ए कल्चर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। द मैनेजर हैड डेवलप्ड ए कल्चर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंट फ्यूचर रीअकरेंस, राइट, सिंपल है। When the accident happened, the first aider attended to that injured person immediately. ये तो first aider ने किया, management manager ने क्या किया वो पूछा है। Manager ने अपना commitment कैसे show किया? Workforce was very well trained in how to handle emergency situation. Evidence क्या है? Evidence जो sir accident के बाद जो emergency situation मतलब call किया गया और उसको immediate medical के लिए, तो वर्कर्स ने क्या, मैनेजर ने क्या किया है वो बताइए। मैनेजर ने अपना कमिटमेंट कैसे शो किया, कैसे डेमोंस्ट्रेट? तो ये सारे चीज सर ट्रेनिंग से होते हैं, वो ऑटोमेटिक कोई कर नहीं सकता। तो हाँ, तो यहाँ पे आपने जो लिखा है पॉइंट,
इस पॉइंट पे आप ले सकते हैं, मैनेजर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेल्थ एंड सेफ्टी पे, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पे इंडक्शन दी जा रही है, वो अलग पॉइंट आएगा, राइट? किस चीज पे इंडक्शन दी? अभी देखिएगा, यहाँ पे जब लेबर इंस्पेक्टर ने विजिट किया था तो लेबर इंस्पेक्टर ने वर्कर से बातें की थी, वर्कर्स से वहां पे उन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो वर्कर्स को पता था, वर्कर्स वेर अवेयर अबाउट द पॉलिसी। देखिए यहाँ पे लिखा था, इंस्पेक्टर डिस्कसेस हेल्थ एंड सेफ्टी विद द वर्कर्स हु डेमोन्स्ट्रेट फॉर्मुलरिटी विद द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिस्क असेसमेंट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स। दैट मीन्स वर्कर्स आर, ये एविडेंस है आपका, दिस इज द एविडेंस, आपको यहाँ पे यही लिंक करना है। पॉइंट सही है लेकिन डेमोन्स्ट्रेट आपने प्रॉपरली नहीं किया है। द वर्कर्स आर वेल ट्रेन्ड ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी रिस्क असेसमेंट्स एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स एज डिस्क्राइब बाय द लेबर इंस्पेक्टर ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। लेबर इंस्पेक्टर ने जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वर्कर से बातें की, वर्कर से पूछा, तो वर्कर्स ने बताया, वर्कर्स को पता था, वर्कर्स वर फैमिलियर अबाउट द पॉलिसी क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या, उनको पता था। दैट मींस वर्कर्स आर ट्रेन्ड ऑन दैट, तो उनको ट्रेनिंग दी गई है। उस एंगल से आप कौन सा बनाने, सिनारियो में से बहुत सारे एविडेंस है कि मैनेजर ने क्या क्या किया है, ठीक है? मैनेजर ने बहुत कुछ किया है सिनारियो में, जैसे कि मैनेजर रेगुलरली विजिट कर रहा है वर्कशॉप और वर्कर्स से इनफॉर्मली बात कर रहा है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, और मैनेजर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। किस चीज पे एक्सपीरियंस है? टायर फिटिंग में। अगर कोई वर्कर एब्सेंट होता है या फिर कोई वर्कर बीमार पड़ता है तो उसकी जगह मैनेजर भी जाके टायर फिटिंग का जॉब करता है, ये भी तो कमिटमेंट है मैनेजर का या नहीं है? अगर कोई वर्कर वहां पे एब्सेंट होता है ड्यू टू एनी सिकनेस और एनुअल लीव, तो मैनेजर जाके उसकी जगह टायर फिटिंग का जॉब करता है। ही टेम्परेरली कवर, मतलब ही टेम्परेरली वॉक्स, ही टेम्परेरली फिट्स द टायर इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, राइट? मैनेजर वहां पे क्या करता है, ही डज नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू वर्क दैट यू आर नॉट प्रिपेयर डू योरसेल्फ। अगर मैनेजर को लगता है कि कोई टास्क वो खुद नहीं कर सकता तो किसी और को भी अलाउ नहीं करता वो काम करने के लिए, राइट? जिसके वजह से वहां पे क्या है, वर्कर्स ट्रस्ट करते हैं मैनेजर को और वहां पे रिस्पेक्ट भी करते हैं। वहां पे मैनेजर ने वहां पे क्या क्या, सेफ्टी फर्स्ट का कल्चर डेवलप किया है, जो भी काम होगा सेफ्टी को पहले ध्यान दिया जाएगा फिर बाद में प्रॉफिट देखा जाएगा, ये भी एक कल्चर है जो कि मैनेजर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। मैनेजर ने वहां पे हार्डवर्क किया है, उन्होंने रिस्क को मैनेज करते हुए सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, सभी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने सर्टिफिकेशन अचीव किया, सर्टिफिकेशन ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजर इज फुलफिलिंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, ऑल्सो मैनेजर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन ऑल्सो। मैनेजर वहां पे क्या कर रहा है, वो ऑडिट करवा रहा है एक्सटर्नली एंड दैट दे हैव रिसीव्ड जीरो नॉन कन्फर्मिटीज, वहां पे कोई भी नॉन कन्फर्मिटी करवा रहा है विद द इनपुट ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को इन्वॉल्व करवा के वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवा रहा है, वर्कर्स के इनपुट से वहां पे रिस्क असेसमेंट और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जा रहा है, वर्कर्स को सेफ्टी इंफॉर्मेशन इंडक्शन दी जा रही है, मैनेजर वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है फॉर टायर फिटिंग, राइट? मैनेजर ने वहां पे क्या किया है, टारगेट सेट किया है, जीरो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट का टारगेट सेट किया है, राइट? मैनेजर वहां पे क्या कर रहा है, ही इज फ्रीक्वेंटली कैरिंग आउट वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस एंड ही हैज ऑल्सो डेवलप्ड और फोस्टर्ड ए कल्चर ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टू प्रिवेंट द रीअकरेंस, रिपीट एक्सीडेंट को रोकने के लिए वहां पे वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, राइट? ये मैनेजर ने किया है, मैनेजर ने जो जो किया है वो बताना, राइट? फिर यहाँ पे जब देखेंगे जो पॉलिसी था, जो आपका लाइबिलिटी इंश्योरेंस था और जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन था, वो वर्कशॉप के वॉल पे डिस्प्ले करवाया गया था, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट कमिटमेंट, मैनेजर्स कमिटमेंट। जब इंसिडेंट हुआ तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने वहां पे काम को रोक दिया, कस्टमर को वहां पे उन्होंने कंफर्ट किया, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट कमिटमेंट। उसने इन्वेस्टिगेशन किया प्रॉपरली, विटनेस, जो विटनेस था, जो कस्टमर था, उसका इंटरव्यू लिया, उसने फोटोग्राफ्स लिया वर्क प्लेस का, एक्सीडेंट एरिया का, और उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, मैनेजर्स कमिटमेंट। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन
उसने एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के सबमिट किया, ऑनलाइन रिपोर्ट को सबमिट किया, दैट इज ऑल्सो कमिटमेंट ऑफ द मैनेजर, राइट। और जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन किया गया उसका जो आउटकम था, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का आउटकम था वो कम्युनिकेट किया गया वर्कर्स को, ये भी उसका कमिटमेंट है या नहीं, इसे बताइए। जी सर, तो मैनेजर ने जो जो किया है उसने अपना कमिटमेंट कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया वही बताना है यहाँ पे, पूरा का पूरा आंसर मैनेजर ने क्या क्या किया है। इंटरव्यू लिया, उस फर्स्ट एडर का इंटरव्यू लिया, उसने जो कस्टमर था, जो विटनेस था, उसका भी इंटरव्यू लिया गया, फोटोग्राफ्स लिया एक्सीडेंट सीन का, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट किया उसने, और उसके बाद उसने एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म सबमिट किया ऑनलाइन में। उसने रिपोर्ट नोटिफाई किया किसको, लेबर इंस्पेक्टर को उसने नोटिफाई किया थ्रू ऑनलाइन रिपोर्ट फॉर्म, और जो आउटकम था इन्वेस्टिगेशन का वो कम्युनिकेट किया गया वर्कर्स को।